इस बात से हम सभी वाकिफ है कि जानवरों की जिंदगी इंसानों की जिंदगी से बहुत अलग होती है। हम इंसानों के बोलने और खाने और रहने का तरीका जानवरों से बहुत अलग होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जानवर भी अपने समाज में हम इंसान से कम नहीं होते, और वो भी हम इंसानों की तरह अपने प्रजातियों में रहना पसंद करते हैं और अपनी जिंदगी ज्यादातर ऐसे ही बिताते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके पास अपने ही समाज में जिंदगी की बिताने का समय ही नहीं होता। ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके जन्म होते ही इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और मौत इनके करीब आने लगती है, और ऐसे ही ये जानवर आम जानवरों की तरह अपना जिंदगी नहीं बिता सकते। दोस्तों, ऐसा इंसान तो कम ही होगा जिसको पेट्स रखना पसंद ना हो, लेकिन एक बार उनसे अटैचमेंट हो जाए तो फिर उनसे दूर जाना बहुत से लोगों के लिए परेशानियां होती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे जानवरों के बारे में जिनकी जिंदगी बहुत कम दिनों के लिए है। तो तैयार हो जाइए जानवरों की छोटी सी जिंदगी के बारे में जानने के लिए। नंबर 10, डोमेस्टिक रैबिट। ये जानवर तो हम सबने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, और हमने इसे पालने की भी कोशिश की है, क्योंकि हम इसे पालतू खरगोश के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही प्यारे और अनोखे जीव है जो दुनिया भर में एनिमल लवर्स के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। ये अलग अलग जाति, रंग और साइज में पाए जाते हैं, और इनकी उम्र इनके एनवायरमेंट, डाइटिंग फैक्टर्स, देखभाल जैसे अलग अलग फैक्टर्स पे निर्भर करता है। खरगोश के पास और जानवरों की तरह तेज आवाज नहीं होती, लेकिन बहुत से जानवरों के मुकाबले इनके पास दो लंबे कान होते हैं जो इन्हें दूर तक सुनने में मदद करती है। और ये जानवर शिकारी नहीं होते, ये सिर्फ घास और सब्जियां ही खाते हैं। एक पालतू खरगोश की एवरेज उम्र 8 से 12 साल तक होती है, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां ऐसे भी होते हैं जो उससे भी ज्यादा जीवित रह सकते हैं, और उनका अच्छे से देखभाल की जाए तो वो 15 से 16 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 9, गिनी पिग। इस जानवर के नाम से कई लोग इसे सुअर के प्रजाति के रूप में इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन ये जानवर दिखने में एक चूहा जैसा होता है, और असल में ये बहुत आकर्षित दिखते हैं। ये ज्यादातर भूरे सफेद या काले रंग के होते हैं, और आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन्हें लोग पालना पसंद करते हैं क्योंकि इनका नेचर बहुत ही फ्रेंडली होता है, और ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, और ये किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये खूबसूरत और शांत जानवर सिर्फ 4 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 8, मॉस्किटो फिश। मछलियाँ लोगों के बीच अपने रंग और रूप के लिए अपनी लोकप्रियता कायम रखते हैं, और यही नहीं, कुछ लोग इन्हें पालना भी पसंद करते हैं, और कुछ मछलियाँ तो लोगों के भोजन भी बन जाते हैं। अगर हम मछलियों की बात करें तो ये दूसरे जानवरों से अलग होती है, क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटेट सबसे अलग होता है, और इनकी अलग अलग प्रजातियाँ 20 से 100 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी होते हैं जो काफी अलग होती है, जैसे कि मस्किटो फिश। ये मछली अमेरिका में पाई जाती है। ये मछलियाँ मच्छरों की लार्वा खाना पसंद करते हैं, इसलिए इनका नाम मस्किटो फिश है। ये मछलियाँ बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अगर इनका ख्याल अच्छे से रखा जाए तो ये मछलियाँ 2 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 7, रैट्स। शायद इस जानवर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये हमारे वास्तविक जीवन में हमारे आसपास कई जगह देखने को मिल जाते हैं। इस जानवर को हर चीज कुतरने की आदत की वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते, इनसे परेशान होके इन्हें मारने या भगाने में लग जाते हैं। चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं, जिससे ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ काटते ही रहते हैं। चूहों की जिंदगी बहुत छोटी होती है, और वो बस 1 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, पर उसमें भी इंसानों के द्वारा मारे जाते हैं। ये ज्यादातर गंदे जगहों पर रहना पसंद करते हैं, गंदी नाली या फिर कोई बंद पड़े जगह, ये इनका घर होता है, और शायद इसके कारण ही लोग इन्हें दूर भगाते हैं। पर कभी कभी कोई चूहा बहुत सुंदर भी हो सकते हैं, जैसे सफेद चूहे या फिर जो चूहे लोग पालना पसंद करते हैं, पर फिर भी इन जानवरों की जिंदा रहने की क्षमता बहुत ही कम होती है।